40 साल से सहारनपुर में रह रहे अफगानिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता मिलने जा रही है। अफगानी जमाल खान न सिर्फ पिछले 40 सालों से सहारनपुर जिले में रह रहे हैं, बल्कि 20 साल से नागरिकता के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। जमाल खान के मुताबिक 10 महीने पहले उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नागरिकता की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेकर ऑनलाइन अप्लाई करने की सलाह दी, जिसके बाद जांच पड़ताल में सभी तथ्य सही पाए गए और प्रशासनिक अधिकारियों ने जमाल खान को जल्द नागरिकता दिलाने का भरोसा दिया। मेरे नाम जमाल खान है, मेरे वालिद साहब पाकिस्तान से आए थे यहाँ कलकत्ते में, कलकत्ते से मैं यहाँ आ गया। 40 साल यहाँ हो गया, 20 साल से नागरिकता का मैंने अप्लाई कर रखी, मैं चक्कर काटता हूँ, अधिकारी हूँ। अब भूमि खत्म हो गई मेरी, इस सरकार में भूमि चाहिए, इस सरकार को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सरकार मेरे बहुत साथ दे रहा, बहुत अधिकारी साथ दे रहा, दिल्ली तक गृह मंत्रालय तक मेरे साथ दे रहा, पूरा मदद कर रहा मेरे। इस सरकार का से मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह सरकार में मुझे नागरिकता मिल जाएगा। पीएम साहब ने बहुत भरोसा दिया कि अब तुम्हारा नागरिकता मिल जाएगा, तुम अब परेशान न हो बिल्कुल भी, अब तुम्हारा कागजी कार्रवाई करीब करीब पूरी हो चुकी है। सरकार मेरी बहुत मदद कर रहा, इस सरकार ने जितने मेरी मदद की है शायद मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार के, इसने हमें हर तरह से सपोर्ट किया। वही जमाल खान नागरिकता मिलने के बाद मोदी सरकार का धन्यवाद करते नजर आए। आपको बता दें, पिछले 40 सालों से जमाल साइकिल और बाइक पर फेरी लगाकर पुराने कपड़े बेचकर अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं जमाल खान के बेटे नवाज खान का भी कहना है कि नागरिकता ना मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मोबाइल सिम सहित अन्य काम भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि उनकी अब इस सरकार से उम्मीद जागी है और वह भी सरकार का बार बार धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। बस बहुत दिक्कत आ रही है, बस परेशान है, बस न कुछ कारोबार कर सकते हैं, अब न कुछ सिम कार्ड, न प्रॉपर्टी ले सकते, न दुकान ले सकते, बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कत है। अब तो उम्मीद जगी हम के हमारे अंदर नागरिकता मिलने की उम्मीद है और मिलेगी, सरकार का धन्यवाद करते हैं हम। इसमें तो बहुत अच्छा लगा, मैं सरकार में तो बहुत अच्छा लगा, पिछली सरकारों में कुछ भी नहीं हुआ। नागरिकता मिलने के बाद जमाल खान का पूरा परिवार खुश दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पूरे परिवार ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया। दर्द को बयां करते हुए जमाल खान की बेगम ने कहा कि वो पिछले 19 सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, पर कोई दुख सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की। 30 साल हो गए मेरी शादी हुए हुए को, नागरिकता आज तक के मिली नहीं। इनका जन्म हुआ था, इनके वालिद साहब अफगानिस्तान गए थे, छोड़ के मर गए हैं। अब मेरी शादी को 30 साल हो गए, नागरिकता आज तक के मिली नहीं उनकी, 19 साल हो गए चलते हुए, कोई उम्मीद नहीं। अब उम्मीद है मोदी सरकार से कि अल्लाह मियां इनको नागरिकता मिल जाए, हम हज करने के लिए चले जाएं। बहुत परेशान हैं हम, बहुत बहुत परेशानी है। कोई भी कोई सैडी वाला आके परेशान करने लग जा, कोई कोई परेशान करने लग जा, कचहरियों के हम चक्कर काटते हैं। डीएम के पास मैं जाती हूँ खान साहब के साथ में, कोई भी सुनाई नहीं है वहाँ अब तक के, अब हुई सुनाई 8 महीने। बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को। सहारनपुर से सुधीर नामदेव की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।